बाबूलोक रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, जेएसएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी लेवल का एग्जाम हो, आप लोग का हर एक एग्जाम में ये हिस्ट्री का कोई भी फाउंडेशन का कोई भी चीज हो, ये आपको बेहतरीन तरीके से काम आएगा। हिस्ट्री को पढ़ने से पहले उनके कुछ चीजों के बारे में हम लोग जानना जरूरी है कि हिस्ट्री कहां तक हम लोग पढ़ेंगे और उसकी क्या पढ़ाई होनी चाहिए। राइट, समझ में आ रहा कि नहीं? देखो, सबसे पहले अगर ये मैं बात करूं, हिस्ट्री को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तीन पार्ट में। बोलो सारे लोग, हिस्ट्री, हिस्ट्री और हिस्ट्री। समझ में आ रहे कि नहीं? अब हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं? प्री हिस्ट्री। क्या बोलते हैं आप लोग? प्री। प्री के मतलब के पहले। ओए कम ऑन सारे बोलो, लुक एट ओनली इन माई आईज, आई कैन नॉट टॉलरेट अबाउट द स्टडी मटेरियल ऑफ द हिस्ट्री। ओके श्योर? हमें छेड़छाड़ नहीं करना, समझ में आ रहे कि नहीं? तुम सिर्फ हमारे आंखों में देखो, यहां से तुम्हें तालीम मिलेगी। समझ में आई बात? चलो, हिस्ट्री जो पहले की चीजों को पढ़ते हैं, एक होता है बीच की बात, है ना, मैं अंसेंट की बात नहीं कर रहा, याद रखना। जो आप नहीं सोच सकते मैं वहां से स्टार्ट करूं जब धरती बनी थी। बोलो हाँ कि ना? yes, समझ में आ रहा कि नहीं? yes, तो हिस्ट्री को हम लोग जब डिवाइड करते तीन पार्ट में, बोलो, हिस्ट्रिक पीरियड, हिस्ट्रिक पीरियड एंड हिस्ट्रिक पीरियड। हिस्ट्री यानी जो पहले वाला है उसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक। क्या बोलते हैं? प्री मतलब क्या? पहले। क्या मतलब होता है? पहले। प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, प्री मतलब और प्रो मतलब के बाद। हाँ कि ना? प्री मतलब के पहले, प्रो मतलब के बाद, प्री मतलब के पहले, प्रो मतलब क्या? बाद। हाँ कि ना? तो प्री हिस्टोरिक या प्रोटो, इसको प्रो हिस्ट्री बोलेंगे या प्रोटो हिस्टोरिक बोलेंगे, इसे हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। बोलो हाँ कि ना? अगर इसे हिंदी में बात करते से कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं इसको? प्राग ऐतिहासिक काल। समझ मारा कि नहीं? इसे हम लोग कहते हैं आध ऐतिहासिक। क्या बोलेंगे इसको? आध ऐतिहासिक, है ना। उसके बाद ये हो गया आपका ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा ये? ऐतिहासिक। कोई दिक्कत यहां पर? बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, इन सभी में कैरेक्टर है कुछ ना कुछ, है ना। यहां के जो लोग हैं ये आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये जो प्री हिस्ट्री के जो लोग हैं, यहां के लोग ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही सभ्यताओं के बारे में विशेष करके इनके पास जानकारी थी। बोलो हाँ कि ना? yes, समझ में आ रहा कि नहीं? yes, तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, बेसिकली ये स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। स्टोन एज यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं पाषाण। क्या बोलते हैं इसको? पाषाण। बोलो हाँ कि ना? इसी को कहते हैं पासे, पाषाण पासे पत्थर, तो इसी को कहते हैं पैलियोलिथिक। क्या बोलेंगे इसको? पैलियोलिथिक एज। क्या बोलेंगे बाबू लोग? यानी कि पूरा पाषाण काल। क्या बोलेंगे इसे? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल का ये आपका नंबर वन फेज हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आई बात? उसके बाद आपका चला आएगा मिडिल स्टोन एज। कौन सा बाबू लोग? मिडिल, जिसे हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, सारे बोलो। और आ जाएगा आपका नया वाला, तो नया लड़का क्या? तो न्यू, इसीलिए बोलते हैं न्यू लिथिक। क्या बोलेंगे बाबू लोग? बोलो कि न्यू लिथिक। न्यूलिथिक। अब देखो, ऐसा होता है कि धीरे धीरे इंसान अपना स्वरूप को चेंज करता है, बिहेव को चेंज करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एकदम आराम से देखिए, हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? हिस्ट्री प्रो, बोलो प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड। इतिहास के जो पप्पा कहते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं हेरोडोटस। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, सारे बोलो। इतिहास के फादर किसे कहते हैं? हेरोडोटस से। बोलो हाय स्टोरी, हाय स्टोरी, अतीत की कहानियों के बारे में, उनकी सभ्यताओं के बारे में, उसके समाज के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उनकी खोज के बारे में पढ़ने को कहते हैं हिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? हिस्ट्री यानी अतीत, यानी इतिहास। समझ मारे कि नहीं? बोलो हाय स्टोरी, हाय स्टोरी। बात समझ आ रहा कि नहीं? अगर यहीं पर पूछ देगा, देख क्वेश्चन आता है यहीं पर पूछ देगा, इतिहास तो पता चल गया, बट आप हमें यह बताइए कि हिंदुस्तान के किसे कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री या इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट।
भारत के पुरातात्विक का जनक यानी पापा किसको कहते हैं? क्या बोलोगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या बोलोगे? बोलो जोर से। तुम्हारा मुंह चुप रहे इसके लिए हमने काम करके नहीं आया, समझ मारे कि नहीं? यू आर नॉट हीरो, आई एम हीरो। समझ मारा है? लड़की क्या क्या किधर पेन? मुझे ये सब टोकना ना पड़े, एकदम नीचे रखिए पेन। एक शब्द भी नहीं रखिए, सीधा रहो सीधा रहो। एक शब्द ना कोई लिखेगा ना तो कोई कॉपी देखेगा, मैंने लिख के लाया ना सारा कुछ, तो आपको कोई टेंशन है? आपको सिर्फ एक काम करना है, नजर नहीं हटना चाहिए, नजर हटे तो दुर्घटना घटी। बोलो हाँ कि ना? समझ मारे कि नहीं? आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आया ना रेलवे में, एसएससी में या किसी भी एग्जाम में कॉम्पिटिशन में, आप जो को अजंत रेलवे का क्या तरीका है? रेलवे में अगर सबसे अधिक अगर कोई कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो हिस्ट्री। वो क्या है? हिस्ट्री। हमने आपको दो दो चैप्टर आपका ज्योग्राफी कंप्लीट किया, इंग्लिश कंप्लीट किया, थोड़ा हिस्ट्री को लेकर नहीं चलेंगे? फेल हो जाओगे जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए आराम से और कायदे से चलो मेरे साथ बहना सीखो। आई बात समझ में? बोलो इतिहास के फादर किसे कहते हैं मित्र? और अगर भारत की हम बात करेंगे, भारत में इतिहास के फादर किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर। सारे बोलो। कोई दिक्कत यहां पर? अब चलो ये समझ में आ गया आपको। ये हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तीन पार्ट में, प्रागैतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। यहां के लोग, ए बाबू देखो, यहां के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, यहां के लोग पढ़े थे, यहां के लोग पढ़े थे पर लिखने में थोड़ा कमजोर थे, इनकी लिपि पढ़ी नहीं गई। अगर इनकी लिपि जो 25 अक्षरों की थी अगर वो पढ़ा जाता तो भारतीय इतिहास की चमक कुछ और होती, मगर इसे पढ़ा नहीं गया। बोलो हाँ कि ना? समझ मारे कि नहीं? उसके बाद ये ऐतिहासिक युग, इस ऐतिहासिक युग में क्या होता है? लोगों ने पढ़ाई भी किया है, लोगों ने लिखाई भी किया है, लोगों ने खोज भी किया। बोलो हाँ कि ना? समझ मारे कि नहीं? एनी डाउट? चलिए अब आगे देखो, यहां पर आ जाओ। ये नहीं खत्म होगा ना? देखो क्या बोला, एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। इतिहास स्टार्ट के इतिहास को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर वन क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा नंबर पर क्या आपका? आद ऐतिहासिक काल। उसके बाद आपका ऐतिहासिक काल। मेरे मित्र मेरी बात समझो, आपको पढ़ना कितना है? देखो कितना पढ़ना है, पूरा पाषाण काल के बारे में आपको पढ़ना है, पूरा पूरा। मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ना है, नव पाषाण काल के यानी नियोलिथिक के बारे में पढ़ना। बोलो हाँ कि ना? अगर आद ऐतिहासिक में हम जाएंगे तो पढ़ेंगे सभ्यताओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सभ्यताओं के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन यहां कैसे आया, कांस्य युग कैसे आता है, कांसा कैसे आता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, अभी सब देखेंगे, ठीक है। अगर हिस्टोरिक काल की हम बात करें, सबसे अधिक अगर कहीं से आपका क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में तो आपका यहीं से पूछा जाता है। आई बात समझ में? कौन सा? हिस्टोरिकल पीरियड से। और हिस्टोरिकल पीरियड में कहीं से पूछा जाता है तो ये आपका आधुनिक और आपका नेहरू काल के समय, यानी कि जब भारत आजादी की ओर जा रहा था उस समय। बोलो हाँ कि ना? समझ मारे कि नहीं? कोई दिक्कत? सेव कर देते हैं ना? हाँ मेरे पास है ना, तो आई विल सेंड यू। ओके चलो आ जाओ। देखिए अब क्या बोलता है बाबू लोग, ध्यान देंगे। अतीत का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? अगर हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो इतिहास। इतिहास के जनक यानी इनके फादर को क्या बोलते हैं? हेरोडोटस। बोलो हाँ कि ना? मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, और जबकि सभ्यताओं का पालना हमारा एशिया को कहते हैं। मेरे मित्र मेरी बात समझिएगा, आओ ध्यान देते हैं। हमारा पूरा आपका क्या है? वर्ल्ड है। क्या बाबू लोग? वर्ल्ड। अगर हम लोग बात करें, इंसान सबसे पहले जन्म कहां लिया है ना, ये जानना बड़ी जरूरी है। अभी इतिहास तो स्टार्ट ही किया, धीरे धीरे कमाल कर रंग आएगा। समझ आ रहा कि नहीं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि इतिहास में इंसान जो हम मानव जाति है, मानव बहुत प्रकार के होते हैं, जो झारखंड में हम लोग है ना, झारखंड में निंगराइड, मंगलाइड, एस्ट्रोलाइड और आपका कांकेसाइड नाम के चार पांच को प्रजाति होता है इंसान का। आप देखिए मेरा मुंह जो है किसी और प्रकार का है, आपका मुंह कोई और प्रकार का, उसका मुंह किसी और प्रकार का, किसी का लंबा है, किसी को गोल, किसी का लमछोर है, किसी को आड़ी टेढ़े। बोलो हाँ कि ना? तो ये सब टाइप्स ऑफ द ह्यूमन बींग होता है। बात समझ में आ रहा है? इतनी गंभीर की सुन रही है? आई हैवेंट ब्रिंग फॉर पॉइजन फॉर यू। खाएंगे आप? जलान में रहते? ये देखो ये ठीक है ना? समझ मारे कि नहीं? हाय सर हो बाबू लोग, देखो मेरे ध्यान से।
ये हमारा पूरा विश्व का कॉन्टिनेंट है, बोलो हाँ कि ना, इसे नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। कौन सा है बाबू लोग? एशिया। बोलो हाँ कि ना, ये एशिया हो गया। उसके बाद उस दूसरा नंबर पर है आपका कौन सा? अफ्रीका। तीसरा नंबर पर आपका ये, चौथा ये हो गया, पांचवा आपका नीचे वाला पार्ट अंटार्कटिका वाला हो जाता है, छठवां में आपका ये हो जाता है, और सातवां में आपका ये हुआ। बोलो हाँ कि ना। देखिए यहां पर हमारे इसको कहते हैं अफ्रीका, और अफ्रीका के ये जो पार्ट है ना, इधर से आपका इक्वेटर गुजरा हुआ, ठीक है, यहां से बीच से एक लाइन गई, यहां से ऐसे करके ये देखो, ये इक्वेटर लाइन है, है ना। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं सहारा डेजर्ट। क्या बोलते हैं इसको? सहारा डेजर्ट। ये पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट है। यहां पर कुछ देश है आपके, जैसे हो गया पश्चिमी सहारा, है ना, मोरक्को, ट्यूनिशिया, लीबिया, अल्जीरिया, ये आपका हो गया, इधर इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, चाड हो गया, नाइजर हो गया, काली सेनेगल हो गया, इधर बहुत सारे आपके देश हो जाते हैं। ये पूरा आपका रेगिस्तान है। लेकिन ये क्षेत्र को आप देखिए, ये आपका यूथोपिया। इधर क्या बोलो? यूथोपिया। तो अफ्रीका में सबसे पहले इंसानों ने जन्म लिया, मानव सभ्यता ने जन्म लिया, इसीलिए इसको कहते हैं मनुष्य का पालना। क्या बोलते हैं? हाथ कहां है? हाथ का ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, बोला ना, ओ लो 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 लो, समझा रहे कि नहीं? तो मनुष्य का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका को। किसे कहते हैं? बोलो हो लो लो लो, समझा रहे कि नहीं? मनुष्य का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका को। किसे कहते हैं? अफ्रीका को। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अफ्रीका में कहां जन्म लिया मनुष्य? तो यूथोपिया में। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत यहां पर? लेकिन इंसान जन्म लेना, इंसान का जन्म लेना कुछ और बात है, और उसको सभ्य बनाना कुछ और बात है। आप देख रहे हैं यहां का जमीन ऐसे ऐसे करके सटा हुआ, बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो इंसान है वो बहुत तरीके से काम किया है, जन्म यहां लिया, लेकिन यहां धीरे 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 घसा करके ऐसे ऐसे करके गया होगा, बोलो हाँ कि ना। बाबू लोग, इंसान जन्म लिया यहां, लेकिन पढ़ाए लिखाए दुनियादारी, मैथमेटिक्स का ज्ञान, आर्ट्स का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, लिटरेचर का, भाषा, सब कुछ कहां आके सीखा? एशिया में। एशिया में कहां पर? तो यहां पर है आपका मेसोपोटामिया, ये वाला क्षेत्र मेसोपोटामिया कहलाता है, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। आगे बताएंगे धीरे धीरे, और समझना रहे कि नहीं? तो ये हो गया आपका बाबू लोग, बोलो इंसान जन्म कहां लिया? अफ्रीका में। उसे क्या कहते हैं? क्रेडल ऑफ ह्यूमन बींग, मनुष्य का पालना, मनुष्य का, समझ रहे कि नहीं? ऐसे ऐसे क्या, ऐसे ऐसे मौसी लोग ऐसे ऐसे करते रहते हो लो, जान तो बच्चा को बिगाड़ने में सबसे अधिक अगर किसी का हाथ होता है तो मौसी लोगों का हाथ होता है, बोलो हाँ कि ना। उसको कुछ नहीं पता, लेकिन हर प्रकार के थेथोरोलॉजी वही सिखा देती है। नहीं नहीं पता, जरा जाकर देखना, समझ रहे कि नहीं? हो गया समझ में आ गया कि नहीं? चूंकि मनुष्य ने आकर के एशिया में पढ़ाई लिखाई समाज के बारे में सीखा, इसीलिए इसको कहते हैं सभ्यताओं का पालना, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। बोलो सारे जोर से बोलो। तो एशिया कहां? यहां पर। एशिया कहां? यहां पर। तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? एशिया को। क्रेडल ऑफ ह्यूमन किसे कहते हैं? अफ्रीका को। बोलो हां कि ना, हां कि ना। और अगर हम लोग बोलेंगे क्रेडल ऑफ इंडस्ट्री, यानी लोगों ने सबसे अधिक कारखाने कहां खोला, तो क्या हो जाएगा? यूरोप। क्या हो जाएगा? बोलो हां कि ना। क्यों यूरोप? अरे छुछुंदर लोग, इन लोगों को कुछ आता जाता था। हम इक्वेटर पर है, हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ट्रॉपिकल जोन में है, हमारे पास लाइट ज्यादा, हीट ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो हम एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हो, बोलो हाँ कि ना। इन लोग पास कुछ है, सिर्फ बर्फ है, सिर्फ मुंह थुतुर जैसा कह रहा था, भूरा भूरा सब नजर आएगा, बोलो हाँ कि ना। आप देख लीजिए अंग्रेज को ऊपर। अच्छा, हम इंडियन बड़े खास होते हैं, लोग तुरंत जाके क्या बोलते हैं, एक अंग्रेज आ जाएगा ना तो सब उधर जाकर देखे, अरे केलो रे, केलो रे, केलो रे, और कुछ नहीं कहेगा, मैं टेक अ सेल्फी विद यू जेंटलमैन, तो या वाज नॉट यू कैन। अब बोध गया, देखियो गए हो? आधा लोग गया इसीलिए घूमने जाता है क्योंकि पता है वहां क्या देखने को मिलता है, बोलो हाँ कि ना। नहीं गया कोई? गया बोध गया? इधर से गया? कहां नजर था? तुम घूम नहीं रहा था। अरे तू बढ़िया लड़का, खराब लड़का बोल, लड़का बनो। अच्छा, अंग्रेजों की आदत है, देखिए वो लोग किताब हमेशा ले घूमता है, मोबाइल का यूज बहुत कम करता है, समझ मार के नहीं? दुनिया में अगर सबसे अधिक कहीं पर फोन का इस्तेमाल किया जाता है वो भारत। हम भारतीय महान होते हैं, बोलो हाँ कि ना। सिखा ये बहुत जल्दी समझ गया? चलो हो गया बाबू लोग, समझ गया यहां तक? आगे की ओर बढ़े मित्र, ध्यान दीजिएगा। आइए, क्या बोलता है? इतिहास को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो सबसे पहला आपका कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, बोलो हाँ कि ना। इतिहास का वह समय जहां पर मानव ने लिखना पढ़ना नहीं जानता था,
जो सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड था, इसकी जानकारी केवल आपके पुरातात्विक साक्ष्य में मिलता है। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये शब्द है ना, पुरातात्विक है कि नहीं? मेरे साथ बोलो, पूरा। बोलो पूरा। पूरा मतलब पुराना, पूरा मतलब पुराना, पूरा मतलब पुराना, और तात्विक मतलब तत्व, यानी पुराना तत्व, पुराने सामान के बारे में जानकारी हासिल करना, पुराने सामान को खोद खोद के निकालना, ये तो होता है ना। ये काम किसका होता है? आर्कोलॉजिस्ट का। किसका होता है जी? आर्कोलॉजिस्ट का। बात समझ में आ रही कि नहीं? आर्कोलॉजिस्ट यानी कि आपके जो खोजकर्ता होते हैं, जो जमीनों को खोद करके उसके यहां से साक्ष्य को एविडेंस पता करते, ये जगह इस अगर मैं आपसे कहूं कि झारखंड की मिट्टी कैसे होती है तो आप क्या बताओगे? आप बता सकते हो? बता सकते हो? नहीं। अरे खोदेगा तब पता चलेगा कैसे होता है। अमूमन झारखंड की मिट्टियां जो है वो लाल रंग की होते हैं। जब मैं झारखंड का आपका जेपीएससी के बारे में पढ़ाता हूं ना, तो वहां पर मैं क्लास लेता हूं, ट्रिक के माध्यम से बताता हूं कि कर्क रेखा झारखंड के कौन कौन से राज्य से गुजरी थी। मैंने बताया था झारखंड भारत में कौन कौन से राज्य से गुजरी थी, बोले थे एक बार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो झारखंड आया कि नहीं? झारखंड में हम लोग क्या कहते हैं? झारखंड में कहां से गुजरा? तो बोलो लाले रंग रामगढ़। बोलो लाले रंग, लाले रंग राम, लाले रंग रामगढ़। समझ में आ रहा नहीं? ला से लातेहार, लोहर दग्गा, रांची, गुमला और रामगढ़, पांच जिला से होकर गुजरती है। और इसी ट्रिक आता है लाल रंग, क्यों? क्योंकि झारखंड की 90% जो मिट्टी है लाल रंग की होती है। आई बात समझ में? समझ में आ गई? क्लियर? तो बाबू लोग, जब हम लोग किसी स्थान पर खुदाई करते हैं तो वहां के बारे में पता चलता है। तो आर्कोलॉजिस्टों ने क्या काम किया है? पुरातात्विक के अनुसार जो पुराने सामान होते हैं, जैसे मटका हो गया, हड्डी हो गया, कोई गहने जवाहरात हो गए, कोई लड़ उड़ के छुरी उड़ी मार दिया, अपनों मर गया, तो उलट गया कि नहीं? उलट गया। अब वहां पर उसकी छुरी तो रह गया, इंसान तो खत्म हो गया। उस छुरी को लोग खोद करके उसको उसके किसी तरीका से, टेक्निकल तरीके से पता किए कि कौन सा समय का है। बोलो हां कि ना? तो इस तरीके से पता चलता है साक्ष्यों के बारे में। तो साक्ष्य क्या कहते हैं? जो भी सामान मिला है ना, सामान के आधार, यानी पुराने सामान के आधार पर हम बताते हैं कि बाबू ये प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक चीजों के बारे में बताता है। बोलो कोई दिक्कत यहां पर? कोई समस्या? चलो आइए ध्यान दीजिए। देखिए अब प्री हिस्टोर, सुन रहे हो? प्री हिस्टोरिक यानी प्राग ऐतिहासिक काल को तीन कालखंड में बांटते हैं। कितने कालखंड में बांटते हैं? तीन कालखंड में। नंबर वन बोलिए, पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल यानी स्टोन एज। कौन एज? स्टोन एज। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? मिडिल स्टोन एज। क्या बोलते हैं इसको? मिडिल स्टोन एज यानी मध्य पाषाण काल। और फिर क्या हो जाएगा आपका? न्यू स्टोन एज। क्या बोलेंगे इसको? न्यू स्टोन एज, न्यू पाषाण काल। सुन रहे इसको? नव पाषाण काल। क्या बोलते हैं? भाई सीधा बैठो सारे। क्या बोलते हैं इसको? नव पाषाण काल। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टोन एज यानी कि पाषाण काल के बारे में। बोलो हां कि ना? देखिए ये वो समय था जब मनुष्य ने सबसे पहले पत्थरों का इस्तेमाल किया और उसके औजार बनाया। बोलो हां कि ना? पहले छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने छोटे बड़े बड़े पत्थर को लोगों ने छोटे छोटे हथियार बनाए। समझ में आ रहे कि नहीं? जरा सोचिए, इमेजिन करिए, हम लोग आदि मानव है। क्या आप आदि मानव है कि नहीं है? Yes, है आप? Yes, sir. है कि नहीं है? Yes, sir. कैसे हैं आप बताइए ना? है, हम सब लोग आदि मानव हैं। पूछो कैसे? देखो ऐसे, जब हम लोग जन्म लेते हैं और हम लोग को उस समय कोई 1 करोड़ रुपया दे दे, भर ट्रक पैसे दे दे, हमको कोई लेने देना है? हम क्या सोचेंगे? सिर्फ मम्मी का हमें दूध मिल जाए। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? यहाँ 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 मम्मी कह, अरे आ रहे, अरे आ रहे, अरे। बोलो हाँ कि ना? अब वो बर्तन घिस घिस के रहती है और वो क्या करती है? इग्नोर करती है। क्या करते बाबू लोग? तुम लोग बच्चा नहीं था, सब सीनियर हो, सभी सीनियर हो। अरे छुचुंदर लोग, सीधा हो जा, आप अभी भी आदि मानव है। आप देखिए कहीं पर जेंट्स टॉयलेट में जाइए, किसी ना किसी का नंबर लिखा हो रहता है। बोलो हाँ कि ना? मैं गलत कहा? बेंच पर लोग अपना ईमेल आईडी लिख देते, मैंने गलत कहा? तो दीवारों पर जहां तक लिखने वाला काम कौन करता था? आदि मानव। क्या बाई कैरेक्टर आदि मानव है कि नहीं है? यस सर। है?
समझ रहे कि नहीं। तो जब बच्चा जब होता है ना कोई, तो वो पहले दो पैर पर नहीं चलता, वो चार हाथ गोड़ पर ऐसे से लौट के चलेगा, फिर आपको घिसिया चलेगा, फिर उसका मूड होगा तो कभी नीचे काट देगा, कभी दाती काट देगा, वो आपको तरीका से नहीं करता, कुछ भी से मार देगा। बोलो हाँ क्यों ना। कोई बच्चा ऐसा होता है कि आपको वेट करेगा, तो जैसे हमको छोड़ेगा गंदा गाली देंगे। बोलो हाँ क्यों ना। मैंने गलत कहा? तुम उसको पकड़े, अरे और बदमाशी कर रहे हैं, टेंस बताना। वह जाता है, क्या होता है? वो सोच रहा है, अच्छा छोड़, हम सब तुमको टेंस सिखा देते। बोलो हम ना। दूर से उसको एक कला आता है, ढेला फेंक कला। बोलो हम ना। और क्या मुड़ी उड़ा देगा। इसीलिए कहा जाता है शुभ प्लस। क्या कहा जाता है? क्या खाते हो? गुटका। कौन गुटका? शुभ प्लस। समझ मारे कि देखे हो, कुछ तो देख लिया करो। अरे गुटका का नाम था, एक बच्चा रील में बहुत वायरल था, उसे गुटका खाता था। एक रिपोर्टर ने उसे आके पूछा कि बाबू ये तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता क्या कर रहे हैं, तो कोई गुटका खा रहा था। बोलता कोई जानेगा नहीं? तो बोलता क्यों जानवे ना कर ले। समझ मारे कि नहीं? कोई जानता ही नहीं। बोले कितना खाता है? 3 रुपया। समझ मारे कि गुटका खा ले कटवा यहाँ यहाँ करके बात करते। बोलो हाँ कि ना। समझ मारे खाएंगे आप है? इसमें है केसर, केसर दाने दाने में है केसर का दम। बोलो हाँ कि ना। लोगों की च्वाइस अजीब अजीब। चलो अब हम ध्यान दो, पाषाण काल में क्या था लोगों ने? अच्छा पाषाण था पत्थर, तो सोना का हथियार थोड़े बनाएगा। बोलो हाँ क्यों ना। इस समय इस मानव ने इस समय पत्थर के औजार बनाए और हथियार बनाए, समझदार उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाया। भारत में सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने सबसे पहले इतिहास की जानकारी दिया। अगर भारत में इतिहास के सबसे पहले अगर किसी ने जानकारी दिया है, पाषाण काल के जानकारी दिया है, आर्कोलॉजिस्ट के किसी ने जानकारी दिया है, तो उसे क्या कहते हैं? रॉबर्ट फ्रूट। ये देखिए गौर आदमी, देख रहे हो? देख रहे हो मोदी जी ने दाढ़ी रख ली है, हाँ कि ना? आप बोले मित्रों है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूं? फिर मैं हूं सुनने के लिए बैठा हूं? यस सर। जी नहीं, यस यस। जी वाला शब्द उधर चलता है, ए जी ओ जी हम ना कहे। समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा विवाह देखा है जी? अच्छा विवाह देखने के बाद हर लड़का को लगता है इसने दुल्हन मिले। बोलो हाँ कि ना। हम लोग क्लास 12th में देखे थे ना विवाह, अंदर उठ के ढूंढ रहे कि कोई हमारा हो जाता। समझ में आ रहा कि नहीं? विवाह देख लेता हर लड़की को लगता है कि बस इसी तरह हमारा अपना मिले। बोलो हाँ कि ना। शाहिद कपूर जैसा हर को ढूंढने लगता है, शायद पहले तुम्हारा हीरोइन भी तो उस टाइप का होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। जी छर। विवाह जल्दी देखना नहीं, समझ मारा कि नहीं? लगेगा बस उम्र भी नहीं रहेगा, लगेगा तुरंत हम लोग देख लें। समझ मारा कि नहीं? आ जाओ बोलो है कि नहीं? ये रॉबर्ट ब्रू, क्या नाम इनका? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। बोलो सारे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। इन्होंने सबसे पहले 1863 में भारत में सर्वेक्षण किया, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किया कि आखिर में कहां कहां था, कैसे कैसे था, कहां पर पत्थरों का औजार मिले। बोलो हाँ कि ना। अब यहीं पर क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये देख रहा हूं, ये लग रहा है अपने बीवी झगड़ा करके आप चिढ़ा हुआ आदमी। बोलो हाँ कि ना। नहीं लग रहा मैडम? हाँ कि ना। नहीं चिढ़ाव लग रहा है? अलग तो है। अच्छा तो ये हो गया आपका कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। बोलो जिसको कोई काम धंधा नहीं रहेगा, धरती खोदेगा। लो धरती खोद करके अपने इतिहास रचिए। बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा कि नहीं? है लाइट में आओ लड़की, कोई दिक्कत यहां पर? अगर भारत में आर्कोलॉजिस्ट मिला है तो उसको रखा कहां गया है? उसको कहां रखा गया है? अगर भारत में पुरातात्विक सामान मिला उसको कहां रखा गया है? तो आपका इसको रखा गया है भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में। भोपाल में कहां पर बाबू लोग? इंदिरा गांधी संग्रहालय में। कहां पर? इंदिरा गांधी। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहां है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में। बोलो हां कि ना। कोई दिक्कत यहां पर? आगे ध्यान दीजिए क्या बोलता है। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन आता है ये VVI कर लेना। समझ में आ रहा कि नहीं? भारतीय पुरातत्व कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार। इवन कि मैं आपको बताऊं, ये जेपीएससी 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ था इसके बारे में। ये देख रहा हूं संस्कृति मंत्रालय, आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पलट के देखिएगा आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा। भारतीय पुरातत्व के संरक्षण जो कि इंदिरा गांधी संग्रहालय में रखा गया, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया, कौन सी संस्कृति? तो क्या आ जाएगा आप लोग? सांस्कृतिक मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? सांस्कृतिक मंत्रालय। अगर यही आपसे पूछ देगा कि वर्ल्ड का आर्कोलॉजिस्ट सामान जो पुरातत्व जो पुराना सामान है वो कहां पर रखा गया है, तो आपको कहां पर रखा गया है बाबू लोग? कहां पर रखा गया है?
यूरोप में, कहां पर? यूरोप में। यूरोप में कहां? डेनमार्क के कोपेनहेगन में। कहां पर? डेनमार्क के कोपेनहेगन में। कहां पर बाबू लोग सारे बोलो, मिलके बोलो, कहां है डेनमार्क? देखो ए, ये आपका पूरा यूरोप हुआ, देख रहे हो ना, ये आपका पूरा यूरोप हुआ, देखो ये यहां से ऐसे करके ये देख रहे हो यहां पर ऐसे, ये पूरा आपका यूरोप हो गया, ठीक है। ये देखो पार्ट को, ये हो गया आपका यूके वाला, यहां आप देख रहे हैं छोटा सा है कि नहीं, ये है आपका डेनमार्क, ये आपका डेनमार्क, समझ मार कि नहीं, है ना। यहां पर कुछ देश है, यहां ये आपका यहां पर एक पहाड़, इसको कहता है स्कैंडिनेवियाई पर्वत, ये हो गया आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। और यहां पर जो है आपका, इसको कहते हैं आपका डेनमार्क, क्या बोलते हैं इसको बाबू लोग सारे बोलो, मिलके बोलो, हाँ। ये जो पानी दिख रहा है इसको कहते हैं बाल्टिक सागर, समझ मार कि नहीं, कोई दिक्कत यहां पर? तो पूरा दुनिया का जो आपका जो सामान रखा गया, पुराना सामान, वो कहां रखा गया आपका? डेनमार्क में। कहां रखा गया है? हाँ कि ना, भूल जाएगा क्या? और इंडिया वाला कहां रखा गया? इंडिया वाला कहां रखा गया? देखो भारत के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कहां? भोपाल में, बोलो हाँ कि ना। चलो आगे आओ, बोलिए। सबसे पहले पाषाण काल का खोज किसने किया 1863 में? रॉबर्ट ब्रूस फुट। सारे बोलो, मिलके बोलो, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंगम को। अलेक्जेंडर कनिंगम को। इतिहास के फादर किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को, हेरोडोटस, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत यहां पर? चलिए, कौन से कहां रखा गया? वो संस्कृति के आधार पर, मिलने वाले धातु के आधार पर। सुनिएगा, ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगातार इसको बारीकी से पूछा जाता है। मिलने वाले धातु के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, जो भी धातु मिला है उसके आधार पर इतिहास का नामकरण किसने किया है? सुनो मेरी बात, सुनो, ये हिस्ट्री हुआ। यस सर। पूरा पाषाण काल में क्या मिला? पत्थर मिला। और आगे चल के क्या मिलता है? तांबा, जिसे कहते हैं ताम्र, जिसे क्या कहते हैं बाबू? ताम्र, क्या बोलते हैं? ताम्र, बोलो हाँ कि ना। अब आगे अगर आप बढ़ोगे, यहां तांबा मिला, अब तांबा और टीना को जोड़ देते हैं ना, तांबा और टीना को जोड़ देते क्या बनता है? कांसा। क्या बनता है? कांसा। तो आपका ये हो गया कांसा, क्या हो गया बोलो? कांसा, बोलो हाँ कि ना। और अगर आप आगे बढ़ते तो यहां पर क्या मिलता है? लोहा। क्या मिलता है जी? लोहा, जिसे आयरन कहते हैं। और आगे बढ़ोगे क्या मिल जाएगा आपको? स्टील मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? स्टील, बोलो हाँ कि ना, स्टील मिल जाएगा। स्टील के बाद अभी हम लोग कौन से युग में जी रहे हैं? कौन से युग में जी रहे हैं? फाइबर। कौन से युग में जी रहे हैं? कौन से युग में जी रहे हैं? हमारा सब्र का इम्तिहान मत लो, हम लड़का लड़की भागने में सबसे आगे रॉबिन राणा हमारा नाम है, याद रखना। समझ आ रहा कि नहीं? मैं ऐसे 300-400 लड़कों पर राज नहीं करता, समझ आ रहा कि? तुम्हारा हंसी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां की पढ़ाई। क्या तीर मार लोगे तुम? 10 पास नहीं किया कि उड़ना शुरू हो गया आप लोग? मैं तब से अगर मैं तुम्हें इंडिकेट कर रहा हूं आंखों के, तो तुम्हें समझना चाहिए बात करते हो गया। यह सुनना बच्चा होता, क्या बात कर रहे हो? साइड जाओ, इधर बैठो, अज उठो, इधर आओ, आप इस पर बैठो, लड़के साथ में बैठो, यहां बैठो, तुम भी खुश हो जाओ, लड़की साथ बैठने मौका मिल जाए। हो गया, अब तो दिक्कत नहीं है ना? मैं देख रहा हूं ये लोग तब से खुसर 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 पर किए जा रहा है। आ जाओ, कहां थे? हाँ जरा तुम बता दो, धातुओं के आधार पर इतिहास में अगर किसी ने नामांकन किया उसका नाम क्या है? इधर 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 इधर, वहां कहां देख रही? बोल बोल तो मैडम, क्या होगा? क्रिश्चियन तो बोल, जबान पर आ रहा था ना, क्रिश्चियन, छोड़ो ना क्रिश्चियन, उससे उतना था हम लोग ऐसे ही तुक्का मार देते, बोलो हाँ कि ना। देखो क्रिश्चियन थॉमस है कि नहीं है? कि नहीं है? ऑप्शन में नाम आएगा तो पता नहीं चलेगा, हाँ कि ना, समझ आ रहा कि नहीं? लिखावट के आधार पर, सुन लिया, कौन सा धातु मैंने बात किया? लोगों ने सबसे पहले कौन धातु खोज किया? धातु पत्थर से, चलो पत्थर से, फिर क्या? तांबा, तांबा से फिर कांसा, लोहा, स्टील, फाइबर। अभी हर गाड़ी फाइबर का रहा, बोलो हाँ कि ना, बर्तन वो फाइबर में आ रहा, बोलो हाँ कि ना। आप देखिए, तो इसके आधार पर इतिहास का नाम किसने रखा है? तो क्रिश्चियन थॉमस ने। किसने रखा बाबू लोग? मिलके बोलो, लिखावट के आधार पर। लिखावट मतलब किसने लिखा, किसने नहीं लिखा। जैसे पूरा पाषाण काल के लोगों ने लिखाई नहीं किया, फिर आद इतिहास यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियन, मिस्र के सब, इन लोगों ने लिखाई किया, बोलो हाँ कि ना। सबसे पहले अगर किसी ने केमिस्ट्री का खोज किया, केमिकल का खोज किया, वो कौन सा है? इजिप्ट।
इसीलिए इसे कहते हैं फादर ऑफ द केमिकल रिएक्शन कंट्री। किसको कहते हैं? इजिप्ट को। किसको कहते हैं? इजिप्ट। सारे बोलो मिलके बोलो, हाँ कि ना। वहां के लोग जब वहां के लोग मर जाते थे ना, तो कुछ ऐसा चीज लिप पोत देते थे उसके शरीर में, उसको माने कि लाखों साल बीत गए पर उसका शरीर को कुछ हुआ नहीं, हालांकि थोड़ा सा छिठोर जाता है, कठोर हो जाता है। नहीं समझ रहा कि मम्मी मूवी देखे हो? दैट्स ऑल, समझा रहे कि नहीं? तो इसी तरह चीजें होते। बोले धातु के आधार पर, धातु के आधार पर, लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस, लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस का और क्या कहा जाता है? भारतीय भूगर्भिक के जनक, भूगर्भी विज्ञान के जनक कहते हैं। भूगर्भी यानी कि धरती के भीतर वाला और धरती। अच्छा, धरती खोद रहा है तो धरती खुदाई वाला ही तो कहलाएगा ना, बोलो हाँ कि ना। चलो आगे ध्यान दो। आइए ध्यान दीजिए, पाषाण काल को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार। कितने भागों में? चार। उंगली दिखा। चार। सारे लोग ये गलत काम नहीं करना, बोलो स्टोन एज। स्टोन एज, अब खुश हो जाओ, ठीक है बोलो। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, फिर से पाषाण काल, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण। बहुत ज्यादा इन लोगों को जेवर चाहिए, समझा रहे? तुरंत एलिमेंट में चल जाएगा, लो मेटल में, बोलो कम ऑन। क्लियर है? यहां पर चार गो हो गया, देखो चार गो लिखा है ना, पूरा पाषाण काल को बाबू चार भागों में बढ़ते हैं। अगर इसका समय की हम बात करेंगे मित्र, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये कतई आपका ये नहीं है, मेरी बात सुनो। कहां गया? आइए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल। क्या हो गया? पूरा पाषाण काल, बोलो हां कि ना। इसका एज क्या है? 25 लाख साल पहले से ये होता है। कितने साल बाबू? 25 लाख साल ईसा पूर्व, 25 लाख साल ईसा पूर्व। हालांकि आपको टॉपिक में कहीं कहीं 20 लाख मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, ठीक है? वो सभ्यताएं थोड़ी इधर उधर से होती रहती है, ठीक है? और ये कब तक चला? 12000 तक। कहां तक चला बाबू लोग? 12000। 12000 को हम लोग क्या 12 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बोलो हाँ कि ना। इस एज जब 25 लाख से लेकर के 12000 तक आता है, तब आ जाता है मध्य पाषाण काल। क्या जाता है? बोलो मध्य पाषाण काल, जिसे हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक। क्या बोलेंगे इसे? मेसोलिथिक, बोलो हाँ कि ना। कोई दिक्कत? हाँ कि ना। अच्छा, उसके बाद क्या आपका न्यू? क्या है बाबू लोग? न्यू। देखो बाबू लोग, 12000 से लेकर के, सुन रहे हो, 12000 से लेकर के अगर आपका 5000 तक है, इस एज को कहते हैं आपका न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू स्टोन एज, यानी इसे न्योलिथिक एज कहते हैं, बोलो हाँ कि ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां 5000 से लेकर के 3000 2000 तक आ जाएगा, तो ये मिलेगा आपका कॉपर एज। कौन सा मिलेगा बाबू लोग? कॉपर एज, बोलो हाँ कि ना। यानी ताम्र पाषाण काल। कौन सा बोलो? ताम्र पाषाण काल, बोलो हाँ कि ना। डेट याद रखने में कोई दिक्कत? बोलो 25 लाख से 12000, सारे मूड में आ जाओ। 25 लाख से, 25 लाख से पूरा पाषाण काल, 25 लाख से 12000, 25 लाख से 12000। आपको ये नहीं बोला, आपको बोला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल 25 लाख से 12000, 25 लाख से पूरा पाषाण काल, यानी पाषाण काल मध्य 12000 से 5000, 12000 से मध्य पाषाण काल, 5000 से 3000 न्यू लिथिक एज, न्यू पाषाण, नव पाषाण काल, और 3000 से इधर वाला हो गया, तो उसे कहेंगे ताम्र पाषाण काल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो 25 लाख 12000, 12000 से 5000, 5000 से 3000, 3000 से नीचे, बोलो हाँ कि ना। yes, समझ में आया? yes, हाँ कि ना। yes, चार पार्ट में हो गया, डिवाइडेड हो गया, देख लिया। क्वेश्चन yes, पूछता हूं, सबसे अधिक साल तक जीने वाले कहां के लोग थे? हाँ कि ना। yes, क्यों बाबू? लाख और हजार में फर्क होता है, बोलो हाँ कि ना। yes, अगर आपको दिक्कत है लाख और हजार समझ में, तो ऐसा करो आप हमें 25 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 12000 दे दूंगा। बोलिए किसके किसके घर झोला लेके आएंगे? मैडम बोरा लेके आएंगे सूत्री वाला, बोलो हाँ कि ना। ऐसे सब बीट के ले जाएंगे, टुक 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 टुक, पैसा पैसा है कि नहीं? yes, बहुत जरूरी चीज है ये पैसा,
है ना, फिल्मी वाला लोग नहीं कहता है वो जो दो कौड़ी की लड़की लोग नहीं तो हीरोइन बोलो है, पैसा से तुम बेड खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते है ना, पैसा से तुम क्या बोलते हैं लोग तकिया खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते। उसे नहीं पता कि जितना हिसाब से तुम बात करे वो सबका रास्ता पैसे से होकर गुजरता है। बोलो हाँ कि ना। एक स्त्री के लिए उसके 16 श्रृंगार उसके हस्बैंड होते हैं, लेकिन एक हस्बैंड के लिए 16 श्रृंगार उसका पैसा होता है। बोलो हाँ कि ना। ये पैसा नहीं रहेगा ना तो ना तो किसी के लिए तुम पति रह जाओगे, बल्कि क्या रहोगे, पतीला, जिसको कभी भी ठन टाना टन ठन बजाया जा सकता है। बोलो हाँ कि ना। मैंने गलत कहा? नहीं। इसलिए पुरुषों का जो 16 श्रृंगार होता है वो पैसा, आप देखिए ना, लड़का काला भी और पैसा वाला है तो उसको अच्छी अच्छी कनिया मिल जाती है। बोलो हाँ कि ना। लेकिन अगर लड़की थोड़ी सी देखने में ठीक ठाक नहीं है तो उसको अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। हाँ, फिर आपको आईएएस ऑफिसर ही सब होना चाहिए। हाँ कि ना। बड़ी जाती होता है हम लोग साथ में। आगे बढ़े बाबू लोग, ये समझ में आ गया, ये सब वही सब है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? देखिए बाबू लोग क्या बोलता है। इस समय मानव का आदि मानव कहा जाता था, आदि मानव लोग क्या करते थे, खाना बदोश होते थे। क्या होते बाबू लोग? खाना बदोश होते थे। इन लोग जीवन कैसा होता था? बहुत गजब तरीके से होता था। आप यहां पर देखिए, आइए ध्यान दीजिए, दिख रहा है आप लोग को? मैं कब की बात कर रहा हूं, यहां ध्यान देना, ठीक है? पूरा पाषाण। कब की बात कर रहा हूं बाबू लोग? पूरा पाषाण। पूरा पाषाण यानी कि स्टोन एज। स्टोन एज बाबू लोग, स्टोन एज के लोग कैसे थे? ए प्यारे ध्यान देना, स्टोन एज के लोग थे आपके खाना बदोश। कैसन थे बाबू लोग? खाना बदोश थे। खाना बदोश मतलब जो सिर्फ खाना पर ही डिपेंड रहते थे। एक बात बताइए आप, हम लोग जब बच्चा थे आपको कोई इतना सारा पैसा दे दे, कोई लेने देना था नहीं? अगर इन लोग को यहां पर कोई पैसा दे देता एक टक ट्रक भर करके तो फेंक नहीं देता लोग? वो कागज इसके लिए कोई महत्व रखता? इन लोग के लिए क्या महत्व रखता? देख रहे हैं आप कैसे चीड़फाड़ के लोग खा रहे हैं? बोलो हाँ कि ना। समझ आ रहे कि नहीं? तो लोग सिर्फ खाना बदो, सिर्फ अपने खाना के लिए ही जीता था, पेट के लिए ही जीता था। बोलो हाँ कि ना। सिर्फ पेट भरने से मतलब था इन लोग को, और क्या मतलब था? खाना बनाने के लिए यानी अपने खाना तैयार करने के लिए इन लोग को आखेट करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? आखेट। आखेट मतलब क्या था? है हंट करना यानी शिकार करना। बोलो हाँ कि ना। हाँ कि ना। ओए सारे बोलो, बार बार मुझे टोकना ना पड़े। कैसन थे लोग? खाना बदोश। और लोग कैसे थे? आखिर करते थे। खाना बदोश की बात क्या करें, अगर इन लोग साथ कोई हो भी जाता था, इन लोग का बाबा भी अगर बुढ़ा गया ना तो लोग अपने लोग बाबा, अरे बाबा बुढ़ा गया, बुखार लग गया, कोई बात नहीं, चलो काटते हैं। यस डेफिनेटली यस। नहीं आइडिया था ना लोगों को, किसको मारना है, किसको खाना, किसको छोड़ना, किसको क्या करना है। अच्छा ये देख करके आप मत ये कह देना कि सर सभी लोग क्या शुरू मांसाहारी थे? नहीं भाई, ये मांसाहारी इसलिए दिखाया गया क्योंकि मांसाहारी यानी हड्डी गलता नहीं है, और जो अगर हम कंदमूल फल खाते हैं ना वो सड़ गल जाता है, वो मिट्टी बन जाता है। बोलो हाँ कि ना। इसलिए इतिहास में जानकारी आपका इसी चीज का मिला है, इसीलिए लोग शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। बोलो हाँ कि ना। हाँ कि ना, समझ में आया? इसलिए साक्ष्यों के आधार पर भी समझ सकते हैं हम लोग, यहाँ के लोग कैसे थे बोलो? खाना बदोश यानी डिपेंड ऑन ओनली मील्स, फॉर दियर मील्स दे यूज टू ऑलवेज हंटिंग। समझ में आ रहा कि नहीं? तो गैदर ऑफ मील्स है ना, वो खाना के लिए आखेट करते थे, शिकार करते थे। देखिए शिकार करते हुए कैसे लोग नोच चोट के खा रहे। अच्छा देखो एक चीज, ये लोग कैसे खा रहे हैं देखो। जब लोग, आप चिकन मटन खाते होंगे या नहीं खाते होंगे डोंट केयर, बट इंसान जो मांस खाता है उसको मीट बना करके खाता है, यानी कि टुकड़े टुकड़ों में करता है किसी चीज से, उसके बाद वो लाता है। बोलो हाँ कि ना। लेकिन एक होता है फ्लैश, क्या होता है फ्लैश, एक होता है मीट, एक होता है फ्लैश। बोलो मीट और फ्लैश। मीट जिसको टुकड़ा टुकड़ा अच्छे से ढंग से काट करके उसको लाया गया, और फ्लैश क्या होता है नोच चोट के खाना। देखो ये लोग क्या कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। आप देख रहे इधर बाघ लोग आ रहा है, आ रहा है ना, इधर दिखाई दे रहा है आप लोग को? पक्का दिखाई दे रहा है? है ना। देखिए लोग को दलिदर दलिदर बच्चा कैसे इधर घूम ले, बोलो माँ बेटा साथ में दिखाई दे रहा है कि नहीं? इधर भाग आ रहा है, इधर लोग भाग रहा है, इधर देख रहे एकदम हुड़ हुड़ कर रहा है किसको, ए रुक रुक हम लोग को खाने दे, उसके बाद हम देखेंगे कोई और बात है। बोला है ना, ये बोल रहा है हमरो दे, देखो ये लेग पीस के चक्कर में है, ये बोल रहा है घुस गया इसके पीछे, यानी कि इसको मारा है। मारा कैसे है बाबू लोग?
ये लोग बड़ा बड़ा पत्थर का इस्तेमाल करता था हंटिंग करने के लिए, बड़ा बड़ा पत्थर का इस्तेमाल करता था। चार लोग हम लोग इधर से, चार लोग उधर से, अब भेड़ उड़ कुछ जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है, उसको हुल 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 करके आगे बढ़ाया और जब देखा कि हाँ पत्थर के नीचे आ गया, चट्टान के नीचे आ गया जानवर, उसी पर पत्थर फेंक दिया। अब पत्थर फेंक दिया तो उसका पूरा लेग पीस अलग हो गया, बोलो हाँ कि ना, गोदी उदी इधर उधर निकल गया। कितना एक्सीडेंट देखे हो, जबरदस्त रूप से जो एकदम खोपड़ा उड़ जाता है, आया आया है लेंगे का चमत्कार, हाँ कि ना? देखिए इसे, क्या देख नहीं रहा ऐसा? हाँ कि ना? खाएंगे आप लेग पीस? चलो मजाक किया लेकिन बात सही है कि नहीं है? बाबलो ऐसे करके तब वहां के लोग रहा करते थे। इन लोग आखेट करते और इन लोग कौन सा पत्थर का इस्तेमाल करते? पत्थरों का। कौन सा पत्थर? बड़े बड़े पत्थर, बोलो हाँ कि ना? कोई समस्या यहां पर? बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे बाबू लोग। पत्थर का इस्तेमाल क्या है? अच्छा जरा सोचो, अगर किसी जैसे जानवर इसका लेग पीस लेकर, कोई किसी को पसंद है लेग पीस खाएंगे, लेग पीस लेके निकल रहा है, निकल रहा है इसका मतलब जा नहीं रहा है, तो किसी से तो तोड़ना पड़ेगा ना, किसी से काटना तो पड़ेगा ना, बोलो हाँ कि ना? समझ आ रहा कि नहीं? तो पत्थर से उसे काटेगा, क्या करेगा? आई कैन अंडरस्टैंड, विल यू हैव, यू विल हैव टू गिव मी ओनली 5 मिनट्स, ओके? ठीक, मैं आगे बढ़ू। तो पत्थर से जब उसे तोड़ेगा, एक बात बताइए, जमीन में अगर दलदली जमीन में रख के अगर उसको पत्थर पटकेंगे, क्या वो टूटेगा? नहीं, तो उसे ठोस पर रखेंगे, वो ठोस वाला क्या होगा? इसको बजार देगा लोग, बोलो हाँ कि ना? तो पत्थर का आपस में टकराना क्या खोज हुआ? आग का। क्या खोज हुआ? वो लोग सारे बोलो, मिलके बोलो, बोलो पूरा पाषाण काल के लोग कैसे रहते थे? खाना बदोस। कैसे? खाना बदोस, मिलके बोलो खाना बदोस। खाना बदोस के साथ कैसे? आखेट। आखेट करने के लिए क्या यूज करते थे? बड़ा बड़ा पत्थर का, बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? और पत्थरों के साथ उन्होंने क्या सीखा? आग की खोज करना सीखा, बोलो हाँ कि ना? याद रहेगा? कोई दिक्कत यहां पर? इसका तुरंत एक फोटो लीजिए, आपको याद रहेगा, तुरंत लीजिए, क्विक। ओके, यू विल हैव टू सेंड योर इन ग्रुप, ओके? चलो देखो, जो मैंने आपको वहां बताया वो आपको यहां पर है। देखो ये क्या है? भीमबेटका की गुफाएं। सुन रहे हो? पूरा लास्ट टॉपिक में आ गया, चिंता ना करें, ठीक है? मेरी बात सुनो। आया, हां देखो, पूरा पाषाण काल के लोग अपने तरीके से कुछ चित्र बनाते थे। चित्र क्यों? ताकि एक एक ताकि एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सके, जान पहचान कर सके। वो ऐसे से देख रो, देखना ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके यहां पर ऐसे ऐसे चित्र छपा हुआ है कि नहीं है? इनकी चित्रकारी देखो, समझा रखे नहीं? तो इस प्रकार के चित्र मिला, अब क्या इसे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? तो हाँ, आप बताइए, पूरा पाषाणकालीन अस्तित्व चित्र कहां पर स्थित है? कहां पर? भीमबेटका में। कहां पर? रायसेन की गुफाएं में। कहां पर बाबू लोग? यानी कि आपका मध्य प्रदेश में एक जगह है और उस जगह पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी में एक जगह है रायसेन, यानी कि आप देखिए अब्दुल अब्दुल्लागंज में रायसेन की पहाड़ी है, वहीं पर आपका भीमबेटका और भीमबेटका में ये आपके गुफा चित्र मिला है, बोलो हाँ कि ना? पूरा पाषाणकालीन स्थित गुफा चित्र कहां पर मिला है जी? इसको VVI कर लेना, 100% किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, हमेशा पूछता आएगा, खास करके रेलवे के लिए फिक्स, बोलो हाँ कि ना? यस सर। आई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत यहां पर? चलो तो ठीक है, यस सर, समझ में आ गया? यस सर। एक बार शुरू से चले फटाफट एक राउंड में, क्लियर? यस सर। बोलो इतिहास के फादर किसे कहते हैं? इतिहास के फादर किसे कहते हैं? इतिहास, भारतीय इतिहास को सबसे पहले जानकारी कब दिया गया था? 1863 में। किसने दिया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने दिया था, बोलो हाँ कि ना? भारतीय पुरातात्विक के जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंगम को। किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंगम को, बोलो हाँ कि ना? एलिमेंट क्या, धातुओं के आधार पर जो आपका इतिहास का नामांकन किया उसे क्या कहते हैं? क्रिश्चियन थॉमसन, क्रिश्चियन थॉमसन। और जिन्होंने लिखावट के आधार पर नाम दिया उसको क्या कहते हैं? जॉन ब्रूस। क्या कहते हैं? कौन ब्रूस था? ब्रूस। यू आर राइट, यू आर राइट, समझा रहे कि नहीं? जॉन ब्रूस, क्लियर हो गया बाबू? इतिहास को तीन पार्ट में बांटते, बोलो हाँ कि ना? प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्री में क्या? पाषाण काल, स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कॉपर एज, बोलो हाँ कि ना? स्टोन एज के लोग कैसे रहा करते थे बाबू लोग?
खाना बदोश थे, ये भूखे नंगे लोग थे, आदि मानव थे, इन्होंने हथियार का इस्तेमाल किया, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के साथ साथ इन्होंने आग का भी खोज किया। बोलो हाँ कि ना, आई बात समझ में? मनुष्य का पालना किस महादेश को कहा जाता है? अफ्रीका। सभ्यताओं का पालना किस महादेश को कहा जाता है? हाँ कि ना, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? याद रहेगा नहीं याद रहेगा? समझ में आया आप लोग को? इतिहास भारी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो दिन में सफा। भाई जो बेवफा होता है उसे मोहब्बत भी किया जा सकता मना करके। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। थैंक यू सो मच।